दिए नया। तो अभी इसको फिलहाल एक महीना हो गया थे सिलाई हुए, लेकिन मैंने इसको कहीं डाला नहीं था। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वाला सूट मेरा कैसा लगा। और देखिए, आप एक दिन मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप भी अपनी पहाड़ी लुक बताइएगा, क्योंकि मेरी देवरानी और जेठानी ने वो ये नथ और मांग टीका ये सब कुछ लगाया था, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी नथ और ये है मेरी मांग टीका। वाह, ना कि आपको हमारी ये पहाड़ी लुक कैसी लगी। तो अभी हम जा रहे हैं शादी को, तो शुक्ला जी तो सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि तो उनको तो मतलब परिवार का है ये, मतलब तो उनको वहाँ पे भी काम देखना पड़ता है। और हम तो लोग जाएंगे मेहमान बनके, हमें तो कुछ काम नहीं करना है। लेकिन मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, तो आपको भी मैं अपने साथ शादी में लेके चलूंगी। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपको ये मेरी पहाड़ी लुक कैसी लगी। थैंक यू। यार बात नहीं करो, बोला भी ताऊ जी। हेलो, ये ऐसे करोगे आइए जी, आपका स्वागत है फिर दोबारा से शादी में। और ये जो ये गाड़ी गई, ये दूसरी बारात जो है वो दूसरे गांव से, ये साथ में ही गांव लगता है वहां को गई, और हमारे को भी बुला रहे थे कि चलो चलो भाई शादी में चलो हमारे यहां। तो अब हमारे घर में खुद शादी थी, तो हम कहां जा पाते, वैसे हम जाते थे, इधर भी जाते हैं और मतलब नज़दीक जहां भी हो शादी वहां जाते हैं। तो ये नीचे वाले जो गाँव था वहाँ की बारात है। मराठा जी ठीक ठाक, भाभी यार स्वागत हो यार आते। नमस्ते भाभी जी। हाँ जी ठीक है, ना ना मैंने बनाओ थे क्या हुआ ना, देखो यार वही अभी सुबह आप सकपाल में थे, अब आप पैदल, ये सीन क्या है भाई, मतलब टाइम पे नहीं उगते हुए को सभी सलाम करते हैं। बाकी कुछ नहीं, आ गए आप, आ गए, कैसा फील हो रहा है आपको वहाँ जाके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, सेम थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, ठंड लग रही थी वहाँ पे ना। बैठो जाए खाई ने। ये बाजे हुए ऊपर देखो, दो लड़के बाजे हुए हैं। कजियो अब हमारे यहाँ जो बारात गई थी वो आ गई बारात, मतलब नई दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। दीक्षु दीक्षु बैठ, सू करिए तू, कचड़े आज दूध वरदान टूट रहे हैं। तो यहाँ पे तैयारी की जा रही है, मतलब बारात आ चुकी है, तो दूल्हा और दुल्हन को जो है वो डोली और सकपाल में लेके आना है। तो ये लेके गया अभी सकपाल और डोली। राजू बाजी
मजे है। सुरे सुरे पगड़ी देखो। ये पर देखो इसमें क्या हो रहा है, सिक्का से क्या हो रहा। तो ये देखिए यहाँ पे अब जो है वो मतलब ढोली को उठा के ला रहे हैं और दुल्हन हमारी जो है वो आ चुकी है और अभी दुल्हन से भी मिलाते हैं, देखते हैं दुल्हन। और ये दूसरे गांव की है ये वाली बारात, और यहाँ पे साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी है वो हमारी है। तो ये देखिए इस गाड़ी में जो है वो दूल्हा और दुल्हन है, तो अभी मिलाता हूँ मैं वहाँ जाके आपको। ये देखिए दुल्हन से भी दिखाता हूँ, दुल्हन भी आपको और दूल्हा भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन की जो है वो दूल्हे का सकपाल मतलब सकपाल पे जो है वो कंबल वगैरह बिछा रहे हैं बैठने के लिए, और दुल्हन का जो डोली है वो भी ऐसे सकपाल डोली पे जो है वो कंबल वगैरह जो है बिछा रहे हैं। तो अभी देखिएगा आप डोली पे इनको बिठाएंगे, दुल्हन को डोली पे बिठाएंगे और सकपाल में बिठाएंगे अपने दूल्हे को। तो ये देखिए ये है दूल्हा और ये है हमारी घूंघट वाली है दुल्हन। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि घूंघट में रहते हैं जो नई दुल्हन होती है वो सिर्फ़ एक दिन के लिए जो है वो घूंघट में रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो दूल्हे का सेहरा भी उठ जाता है और दुल्हन का घूंघट भी हट जाता है। तो यहाँ पे जो है अब देखिए दुल्हन चली गई है और यहाँ पे दूल्हा बैठ गया है, देखो सकपाल पे, इसको सकपाल बोलते हैं और इसको डोली बोलते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन को बिठा रहे हैं, ये देखिए ये दुल्हन जो है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज है कि डोली में ही लेके जाते हैं और डोली में ही मतलब छोड़ते हैं, जैसे दूल्हे को भी हम डोली में लेके आए थे उधर से घर से गाड़ी तक, और यहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। तो ये चली जी हमारी दुल्हन हमारे घर, नई दुल्हन जो है वो घर में आज जो है वो प्रवेश करेगी, और बहुत खुशी होती है ना ऐसे अपने जो कल्चर होता है हमारा हिमाचली कल्चर, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये अब जो है लाड़ा भी चला, मतलब पहले जो है वो दुल्हन को आगे किया जाता है अभी, और दूल्हे को पीछे किया जाता है, क्योंकि दुल्हन को जो है वो बड़ा दर्जा दिया जाता है। मतलब ये लक्ष्मी हमारे घर आई है तो दुल्हन को जो है वो आगे किया जाता है और दूल्हे को पीछे। तो चलिए फिर आप वीडियो पे पूरे बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और यहाँ पे देखिए आप ये दुल्हन की सास है, मतलब हमारे भाभी जी हैं, तो ये उठा के यहाँ से लेके जाएंगे जहाँ पे पूजा वाला कमरा था वहाँ। तो वहाँ पे वो गूने खेलते हैं और जुआ खेलते हैं, वो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई है हमने। तो आप देखिए अपने आप भी देखिएगा खुद खुद। तो यहाँ पे मजाक में जो है वो मजाक ही होता है, मजाक में जो है वो दुल्हन के मतलब हाँ दुल्हन के माँ बाप को और बुआ चाची ताई को जो है वो ऐसे ही गालियाँ टाइप देते हैं, मतलब वो मजाक होता है। और यहाँ पे घोड़ियाँ सुहाग वो भी गाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पूजा होगी, उसके बाद जो है वो घोड़े चले जाएंगे। Hey, it's all right.
तो ये देखिए, इसको बोलते हैं गूणा खेलना। तो ये दूल्हे के साथ भी खेला जाता है और दूल्हे की बुआ है उनके साथ भी खेला जाता है। तो ये गूणे खेलते हैं ऐसे, मतलब एक दूसरे को हाथ में डालते हैं और फिर उन्हीं को दे देते हैं। तो ये आटे के बने होते हैं, आटा और गुड़ या शक्कर जो इसमें मिलाया जाता है और तब इनको तला जाता है। तो इनको बोलते हैं गूणे। तो ये सभी बुआओं के साथ भी खेले जाएंगे और बस ऐसे ही सात सात बार जो है वो एक दूसरे के हाथ में डालते जाएंगे। तो ये भी एक हमारी परंपरा है पुरानी। और अब यहीं पे हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में और कुछ दिखाएंगे। तो यहीं पे हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके मिलेंगे, तब तक बाय। और ध्यान रखिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।